हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो स्टार्ट करते हमारे न्यू ईयर की रीडिंग। हाँ, हमारे न्यू ईयर की रीडिंग 2022 की रीडिंग। एंड जैसे कि 30 साल का फर्स्ट मंथ कैसा जाएगा, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में एंड अपनी लव रीडिंग के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, चलिए जानते हैं कि 10 मंथ कैसा रहने वाला है, जनवरी मंथ हमारा कैसा रहेगा 2022 में, क्या होने वाला है। हमने जो गोल बनाए हैं तो उस गोल के लिए हम आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते हैं, क्या रहेगा 10 मंथ, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको सबको विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ 10 मंथ के लिए। सबसे पहले कि जो हमारी जो जितनी भी चीज़ें हमारी जो बैक चीज़ें जो गई है वो फिर से हमारे पास ना आए, हमारे पास कुछ अच्छी अचीवमेंट आए, अच्छे से न्यू करियर में हमें सक्सेस मिले, हमारी हेल्थ भी ठीक रहे। तो आपके लिए मैं विश करती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है जमिनी राशि, जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए 10 मंथ कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आते हुए दिखाई दे रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जैसे कि आपको काम करना है पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कहीं ना कहीं लॉस होते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मनी इनकम सोर्स आपके पास कहीं से भी ऐसा लगता है कि आपके पास नहीं है। आपके पास अगर जो भी पैसा है वो भी आप खर्च कर देंगे तो आगे चल के क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी न्यू जॉब के लिए, न्यू कहीं ना कहीं करियर के लिए, कहीं ना कहीं न्यू स्टार्टअप करने के लिए आपके पास पैसे थोड़े से मुझे लगता है कि कम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप टू ऑफ पेंटिकल्स मनी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे कि कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ जाए। जो आप पैसा, जितना आपके पास पैसा आ रहा है उतना पैसा आपके पास से ज़्यादा खर्चे होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं रह पा रहा है, कहीं ना कहीं बैलेंस आपके पास नहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। दिस मंथ मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ वन वीक तक ऐसे थोड़ी सी हालत रहेगी जिसके वजह से थोड़े से आप परेशान रहेंगे। 10 दिन तक थोड़ी सी ऐसे थोड़ी सी हलचल रहेगी कि आपके पास कुछ भी सोर्स, मैंने इनकम सोर्स नहीं दिखेगा। जितने पैसे आएंगे उतने पैसे जाते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, निराश बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कहीं ना कहीं न्यू असल नहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं न्यू से ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं से न्यू जॉब स्टार्ट होते हुए दिखाई नहीं देता है आपको। पर कहीं ना कहीं आपको न्यू मुझे लगता है कि यहाँ पे द आर्क्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स नज़र आते हुए दिखाई दे, कहीं ना कहीं न्यू करियर नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से काफ़ी आपकी काम को लेके फर्टिलिटी का कार्ड से कहीं ना कहीं आप काम स्टार्टअप कर देंगे, एक छोटी सी शुरुआत करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेके एक छोटी सी शुरुआत करके आगे ज़रूर बढ़ेंगे। जॉब के लिए बात करूँ तो जॉब मिल जाएंगी, 10-15 दिन लग जाएंगे पर जॉब मिल जाएंगी अगर आप न्यू जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। प्रमोशन के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो प्रमोशन पूरा मंथली आपको नहीं दिखेगा पर एंड मोमेंट ऐसा हो जाएगा कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री नज़र आती हुई दिखाई दे, कहीं ना कहीं आपकी जीत नज़र आती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आप बोलते ना आपका स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देंगे, पर मुझे जहाँ तक 10-15 दिन के बाद आपकी अच्छे से स्टार्टअप नज़र आती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप जो है काफ़ी अच्छे से जो है बाद में नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है, पर थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा होता है ना कि परेशानी रहेगी, मनी इनकम सोर्स को लेके परेशानी रहेगी। 10-15 दिन तक थोड़े से ऐसे टाइम जाएगा कि आपको लगेगा कि कोई होप नहीं है, कुछ लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, कुछ लाइफ में कुछ आएगा नहीं, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, थोड़ी सी परेशानी आएंगी, थोड़े से आपके लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, ये वाली कंडीशन हो सकती है। कहीं ना कहीं जैसे कि थ्री ऑफ कप्स के कार्ड्स नज़र आते हुए दिखाई दे रहे तो आपकी हेल्थ अच्छी है। कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हैं, घूमने जाना आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आप घूमने थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए घूमते जाते हुए दिखाई दे रहे। सिक्स ऑफ स्पॉट्स का भी कार्ड्स नज़र आते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं आप घूमते जाते हुए दिखाई दे रहे, ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के साथ अच्छा सा टूर मेंशन कर रहे हैं जिसके वजह से आपके जो पैसे जो है थोड़े से उस वजह थोड़े से आपके पैसे जो है मनी इनकम सोर्स जो है थोड़े से खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर बाद में आप अपना काम स्टार्टअप भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लव फीलिंग, हिडन फीलिंग जो होंगी, कहीं ना कहीं थोड़े से टकराव आना, थोड़े से नेगेटिविटी आना, एक दूसरे के प्यार में थोड़े से परेशानी आना, क्योंकि इधर ड्राइवर का कार्ड्स नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि आप अपने पार्टनर से बंधे हुए हैं। आप अपने पार्टनर को बोलते हैं ना कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा टॉर्चर करेगा, थोड़ी सी खटास भी आ सकती है थोड़े से आपके लव कम्युनिकेशन में।
तो थोड़ी सी ये रिलेशनशिप में थोड़ी सी होता है ना, अनबन थोड़ी सी हो जाएगी, पर बाकी अदरवाइज ठीक है। कहीं ना कहीं न्यू लव कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपकी ट्विन फ्लेम सोल जिसके आप बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके लाइफ में बिल्कुल भी लव कम्युनिकेशन नहीं था, तो उनके लिए टू ऑफ कप्स का कार्ड्स, आपके लिए कोई पार्टनर ऐसा आते हुए दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जॉब के लिए, आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है, काफ़ी अच्छे से आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको आगे लेके जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप बोलते ना कि थोड़े से परेशान, थोड़ा सा ना सोना, थोड़ी सी एनर्जी जो है थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब ज़रूर नज़र आती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। एक अपने जो पुराने पार्टनर को लेके सोचना, ये थोड़ी सी कम्युनिकेशन मुझे जहाँ तक ही दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं आप पुराने पार्टनर को सोचते भी नज़र आते हुए दिखाई दे रहे। थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़े से आस पड़ोस में सोच के आप अपनी नेगेटिविटी को लेके आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आप सराउंडिंग एनर्जी को थोड़े से नेगेटिविटी में डाल सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके बारे में लोग बातें करते हैं, आपके बारे में ही लोग क्यों बातें करते हैं, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, ये थोड़ी सी फीलिंग एनर्जी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में थोड़े से परेशान जब भी होते तो आप अपने पार्टनर पे गुस्सा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, संबंध ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से अपने पार्टनर के साथ थोड़े से रूठ भी सकते हैं, थोड़े सा गुस्सा करेंगे, थोड़े से बाहर का गुस्सा होगा पर आप उनके ऊपर आके निकालेंगे, थोड़े से नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही, बीच में थोड़ा सा स्टार्टअप ऐसा रहेगा कि थोड़ी सी नेगेटिविटी की वजह से थोड़ी सी परेशानी आती हुई दिखाई दे रही, बाकी अदरवाइज आपकी आपका काफ़ी दिस मंथ जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजेगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। आप सभी को फिर से मेरी ओर से विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी के लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, ब्लेसिंग करती हूँ, आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपके बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे। और मेरी रीडिंग आपका अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।